नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे किचन में बनने वाली है बहुत ही टेस्टी कढ़ी। कढ़ी खाना सभी को पसंद होता है, और कढ़ी अगर पकोड़े वाली हो तो फिर तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पकोड़े वाले कढ़ी की रेसिपी। बहुत ही बढ़िया, देखिए हमारे पकोड़े बने हुए हैं एकदम सॉफ्ट, और कितने फूले फूले हैं देखिए। तो अगर आप भी चाहते हैं इतनी टेस्टी पकोड़े वाली कढ़ी बनाना, तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आइए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। आज की ये कढ़ी हम दही से बना रहे हैं। अगर आपके पास दही नहीं है, लस्सी है, तो आप उससे भी इसको बना सकते हैं। और कढ़ी के लिए थोड़ी सी खट्टी ही दही ज़्यादा अच्छी होती है, उससे कढ़ी बहुत बढ़िया बनती है। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप दही को 2-3 घंटे के लिए फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें, वो खट्टा हो जाता है और उससे बहुत बढ़िया कढ़ी बनती है। और एक बात और, जब भी आपको कढ़ी बनानी हो, आप दही से अगर बना रहे हैं तो दही को बहुत अच्छे से फेंट लें, क्योंकि दही के जो मोटे मोटे चंक्स होते हैं अगर वो कढ़ी में आते हैं तो फिर वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए पहले आपको दही को अच्छे से फेंट लेना है। अब हम डालेंगे इसमें कुछ सूखे मसाले। मसालों में सबसे पहले हमने डाल दी है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर। ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और अब हमने इसमें डाल दिया है सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच, से बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो हमने 1 कप दही लिया था, इसके लिए हम 4 चम्मच बेसन लेंगे। इससे ज़्यादा बेसन अगर हमने लिया तो हमारी जो कढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, और फिर वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। 1 कप दही के लिए 4 चम्मच बेसन बिल्कुल सही माप है। और अब सभी मसालों को, बेसन को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी तक हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि अगर पहले ही दही में बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे तो बेसन में गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पहले हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। अब इतनी गाढ़ी कढ़ी तो हम बनाएंगे नहीं, तो अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। हमने 2 बड़े गिलास भर के इसमें पानी डाल दिया है, और एक बार पानी डालने के बाद भी इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप इस टाइम पे देख सकते हैं, अगर आपको बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप थोड़ा पानी और मिला सकते हैं, क्योंकि हमें कढ़ी को बहुत ज़्यादा देर तक पकाना होता है, तभी वो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर इसमें पानी कम रह गया तो कढ़ी हमारी गाढ़ी हो जाएगी, तो कढ़ी में पानी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। तो बैटर तो हमने बना के तैयार कर लिया है, अब बारी आती है कढ़ी को तड़का लगाने की। कढ़ी बनाने के लिए आज हमने सरसों का तेल लिया है। आप इसकी जगह कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, फिर घी में भी कढ़ी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है घी की कढ़ी भी। तेल हमारा बहुत ही अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी। मेथी दाना कढ़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देता है, आप ज़रूर डालें। और ये 2 प्याज हमने लेंथ वाइज काट ली हैं, ये भी हम तेल में डाल के अच्छे से भून लेंगे। ये लंबी लंबी कटी हुई प्याज बहुत अच्छी लगती हैं कढ़ी में। थोड़ा सा हींग डाल दिया है, हींग का फ्लेवर भी अच्छा आता है कढ़ी में, और ये डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। गैस का फ्लेम इस टाइम पे हमने मीडियम पे किया हुआ है, ताकि हमारी मेथी या फिर जीरा जले नहीं, क्योंकि मेथी जीरा सूखे बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, जब भी आपको जीरा और मेथी डालना हो, गैस का फ्लेम आप कम पे कर दें।
ये दो हमने लाल मिर्च भी डाल दी हैं, ये भी तड़के में बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। बैटर को हमने एक बार फिर से चला लिया है, जिससे जो बेसन अगर नीचे भी बैठ जाए तो वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। कलर भी देखिए कितना इसका अच्छा आ गया है। और ये देखिए बच्चे लग रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी करने में, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें करने में बहुत ही मज़ा आता है। प्याज को आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए आप इसमें जो आपने मिक्स बना के रखा है बेसन का दही का वो डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी टाइम पे थोड़ा सा लहसुन और अदरक भी कूट के इसमें डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने अपने बैटर को 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था, जिससे बेसन बहुत अच्छे से फूल जाता है, और बेसन फूलने के बाद हमारा बैटर गाढ़ा हो गया था, तो हमने एक गिलास पानी इसमें और डाल दिया है। और एक बात यहाँ पे आपको मैं और बता देती हूँ, जब भी आप कढ़ी बनाएं बैटर डालने के बाद आप उसे तब तक मिक्स करते रहें जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाए, क्योंकि अगर आपने इसे छोड़ दिया तो हमारी जो कढ़ी है वो फट सकती है और फिर उससे कढ़ी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखें, कढ़ी को चलाते रहें जब तक इसमें से एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। और ये देखिए कढ़ी में उबाल आ गया है। एक बार जब कढ़ी में उबाल आ जाए तो आप इसको सिम पे करके आराम से पकने दें। कढ़ी को पकने में आराम से आधा घंटा लग जाता है। जितनी ज़्यादा कढ़ी पकती है उतनी ही ये खाने में टेस्टी लगती है। जैसे जैसे कढ़ी पकती जाएगी थोड़ी गाढ़ी भी होती जाएगी। आपको कितनी गाढ़ी कढ़ी पसंद है या पतली पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। अब जब तक हमारी कढ़ी पकेगी हम इसके लिए पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। एक बार उबाल आने के बाद आप कढ़ी को छोड़ सकते हैं, बीच बीच में इसको चलाते रहें, गैस का फ्लेम आप लो पे कर दें, क्योंकि सिम गैस पे ही कढ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। और हाँ, ढक्कन को आपको पूरा ढक के बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो कढ़ी में उबाला आके कढ़ी नीचे फैल सकती है और पूरी गैस आपकी ख़राब हो सकती है। तो आप गैस को सिम पे करके थोड़ा सा ढक्कन खुला रखें। अब हम बनाएंगे पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए हमने आधी कटोरी बेसन लिया है। पकोड़े का बहुत अच्छा कलर आया इसके लिए हमने एक पिंच इसमें हल्दी डाल दी है। स्वाद के अनुसार नमक और मिर्च डाल दी है। हमने लाल मिर्च डाली है, आप चाहें तो इसमें एक या दो हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। और ये आधी चम्मच हमने डाल दिया इसमें सूखा धनिया पाउडर। सभी मसालों को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ी के लिए पकोड़े आप प्याज वाले भी बना सकते हैं, मेथी वाले, पालक वाले, कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल प्लेन पकोड़े बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बैटर तैयार करेंगे। अगर शुरू में ही आप इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बेसन में गुठलियाँ बन जाती हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका गाढ़ा घोल बना के तैयार करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला हमें घोल को बिल्कुल नहीं करना है। और इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा इस बेसन को फेंटेंगे उतने ही अच्छे आपके पकौड़े बनेंगे। अब हमारे पकोड़े एकदम फूले फूले, फ्लफी और स्पंजी बने, उसके लिए हमने इसमें एक पिंच मीठा सोडा डाल दिया है। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप इस टाइम पे एक चम्मच गरम तेल या घी भी इसमें डाल सकते हैं। और मीठा सोडा डालने के बाद एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पकोड़े का बैटर हमारा बन के तैयार हो गया है। इधर साइड में हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम छोटे छोटे पकोड़े डाल के फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे आप बिल्कुल ना डालें। इस तरह से छोटे छोटे पकोड़े डालेंगे और देखिए कितने अच्छे हमारे पकोड़े फूल रहे हैं, क्योंकि
पकोड़े कढ़ी में जाने के बाद अपने साइज से डबल हो जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े पकोड़े आपको नहीं बनाने हैं। और एक बार में जितने पकोड़े तेल में आ जाएं उतने आप डाल के फ्राई कर सकते हैं। पकोड़े वाली कढ़ी बच्चों की, बड़ों की, सभी की फेवरेट होती है। ये राइस के साथ, चपाती के साथ हर तरह से खाने में अच्छी लगती है। और जब हम एक ही तरह की सब्जी खा खा के बोर हो जाते हैं तो कुछ डिफरेंट खाने का हमारा ज़रूर दिल करता है। हर घर में सप्ताह में या 15 दिन में एक बार तो कढ़ी बनी जाती है। और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें पकौड़ों को फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम पे रखा हुआ है। पकौड़े फ्राई करने के लिए तेल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा। इधर हमें कढ़ी को भी बीच बीच में चलाते रहना है ताकि नीचे हमारा बेसन लग के जले नहीं। एक बार के पकोड़े फ्राई होने में 7 से 8 मिनट का टाइम लग गया है और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है पकोड़े का। बस इसी तरह का कलर आने तक आपको इसको फ्राई करना है। कलर भी देखिए कितना बढ़िया है, साइज भी कितना अच्छा है। हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बेसन डाला था। और जब ये पकोड़े कढ़ी में जाएंगे ना तो और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। अब आप इनको निकाल के किसी भी प्लेट में या थाली में या टिश्यू पेपर पर रख सकते हैं। वैसे ये पकोड़े बिल्कुल भी तेल नहीं सोखते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है पकोड़े का। एक पकोड़ा मैं अभी आपको काट के भी दिखाऊंगी ये कितना बढ़िया बना है। सारे पकोड़े आपको इसी तरह से फ्राई करने हैं। देखिए चाकू से काटने से आपको पता लग ही रहा होगा कि कितने बढ़िया हमारे पकोड़े बने हुए हैं। अंदर तक ये देखिए जाली बनी हुई है पकोड़े में। इस तरह के पकोड़े बहुत ज़्यादा कढ़ी में जाने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे से कढ़ी को सोखते हैं। ये पकोड़े खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इधर हमारी कढ़ी को पकते हुए भी 25 मिनट हो गए हैं और ये देखिए क्वांटिटी में भी आधी हो गई है। आप निशान देख सकते थे हैं कहाँ तक कड़ी थी हमारी और अभी कहाँ तक हो गई है। अब चाहे तो कड़ी को थोड़ा सा और गाढ़ा भी कर सकते हैं। वैसे कड़ी, दाल, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं ये ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैं। यहाँ तक देखिए कड़ी थी हमारी और अब कहाँ पर आ गई है, आधी हो गई है अपनी क्वांटिटी में। तो अब इस टाइम पे आप कढ़ी में पकोड़े डाल सकते हैं। ये देखिए ऊपर इस पे कितना घी आ गया है क्योंकि हमने ये दही से बनाई थी तो दही ने अपना पूरा घी छोड़ दिया है। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अब पकोड़ों को थोड़ा सा दबा दबा के आप डालें जिससे कि अच्छे से कढ़ी को सोख लें। पकोड़ों को कढ़ी में डालने के बाद 2 मिनट के लिए आप गैस को तेज करके एक बार एक उबाल आने तक इसको पका लें। थोड़ी देर में जो पकोड़े हैं ये कढ़ी पी के एकदम नीचे बैठ जाएंगे और साइज में भी ये और बड़े हो जाएंगे। आप चाहें तो कढ़ी में यहाँ पे एक तड़का और लगा सकते हैं। 1 चम्मच बड़ा देसी घी का लेके आप उसको गरम करें और उसमें लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च, हींग, ये सभी तड़के में डाल के आप कढ़ी के ऊपर से डाल सकते हैं। इससे कढ़ी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। लेकिन हमारी कढ़ी वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसमें दूसरा तड़का लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये पकौड़े वाली कड़ी की रेसिपी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मैं आप सभी से मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और नई नई रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।